वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आपकी किचन प्रोग्राम और ये है हमारी खुशप्रीत. खुश रहती हैं, स्माइली फेस. और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने सिखाई. पहले प्रोग्राम में भी दो चीज़ें सिखाई, अभी भी हमने चॉकलेट फ्लान बनाया, ये भी सामान पड़ा है. तो क्या क्या बनाने वाली हैं आप? बहुत कुछ. मैं देख रही हूँ मैंगो मूस भी पड़ी है, मैंगो पल्प आई कैन सी, वो चॉकलेट की वो जो कटोरियाँ सी बनाई हैं आपने, क्या क्या बना रही हैं? ये क्या बन रहा है? ये हमारे पास बन रहा है बनॉफी पाई. बनॉफी पाई ये भी थोड़ी झटपट है. अगर आपके घर पे जैसे कोई गेस्ट आ जाते हैं और आपके पास ये सब सामान अगर पड़ा है तो आप फटाफट बना सकते हैं. ये कौन सा सामान? बनानास आई नो. बनानास आपके पास पड़े होते हैं? मेरे घर में तो सब कुछ ही पड़ा होता है क्योंकि हम लोग खाते बहुत हैं. पर मेरे पास ये हमेशा रहती है. दिस इज कैरामल सॉस. ये बनी बनाई मिल जाती है, सबसे बेस्ट. आप ये हमेशा अपने कबर्ड में रखिए और झटपट बन जाते हैं इससे डिजर्ट्स. उसके साथ हमें चाहिए ये वन कैन ऑफ से वन कप ऑफ कैरामल सॉस, वन कप ऑफ मैस्कारपोनी चीज़ और वन कप ऑफ व्हिप्ड क्रीम. दिस इज जस्ट नॉर्मल क्रीम, जो डबल क्रीम आती है उसको मैंने व्हिप कर लिया है जब तक कि वो थोड़ा ऐसे पीक्स में नहीं हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है. ये तो हमारी उसकी टॉपिंग्स हैं. और उसकी जो बेस है उसके लिए हमें चाहिए बिस्किट्स, डाइजेस्टिव बिस्किट्स. ये बहुत अच्छा बेस इसका बन जाता है. तो चीज़ केक्स वगैरह जो भी बनाना चाहें आप इसके साथ बनाएं, बड़ा अच्छा बनता है. तो इसके साथ इसको हमने सिर्फ बटर के साथ मिक्स करना है. तो ये अराउंड हाफ पैकेट विच इज़ अबाउट 15 बिस्किट्स और आपको चाहिए ब्लॉक ऑफ बटर. हम इसको सॉल्टी डोरा डजंट मेक मच डिफरेंस. अगर आपको नहीं पसंद है ज़्यादा सॉल्ट तो आप अनसॉल्टेड ले सकते हैं. अब इसको हम लोग थोड़ा तोड़कर मिक्स करेंगे, चॉपर करेंगे. पहले इसको सूखे कर लेना. सूखा कर ले दिया पहले, थोड़ा लाइफ इजी हो जाती है, टूट जाएंगे अच्छी तरह से. इस तरह से मिक्स करके बिल्कुल पाउडर कर लें, पाउडर करके और हम इसमें हमारा बटर डाल देंगे. बटर डालेंगे व्हिच इज हाफ अ ब्लॉक, 250 ग्राम की होती है, 125 ग्राम है. अगर आपको लगे कि थोड़ा बटर कम लग रहा है तो आप थोड़ा और भी डाल सकते हैं. थोड़ा मॉइस्ट हो जाना चाहिए. इसके बाद हम इसको एक ट्रे में ऐसे लेंगे, ऐसी ट्रे लेनी है जिसका ये चीज़ निकल जाए. तो इसमें हम लोग उसको लगा के अच्छी तरह से प्रेस करके फ्रिज में रख देंगे. ऐसे आपका बेस आ जाएगा. थोड़ा आप थिकर भी रख सकते हैं अगर आप थिन पसंद है तो. आप थोड़ा डिपेंड्स बिस्किट्स का ही बनाए थे 15 का, हाफ अ पैकेट. हाँ, हाफ अ पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट. डाइजेस्टिव और इसमें आपने डाला है सिर्फ 125 ग्राम सॉल्टेड या अनसॉल्टेड. ओके, अब इसके बाद हम लोग ये सॉस लेंगे, कैरामल सॉस. इसको हम लोग इस तरह से सब लगा देंगे. आप सॉस भी ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से. जितनी ज़्यादा सॉस होगी वैसे ज़्यादा टेस्टी रहता है. इफ इट्स टू फैटनिंग देन यू कैन ऑलवेज डू इस तरह से लगा के. अब इसके ऊपर हम लोग लेयरिंग करेंगे. ये मैंने स्लाइस करके रखे हैं बनानास. देयर इज अराउंड 3 बनानास. अगेन यू कैन डू मोर लेयर्स, ओवर लेयर्स कर सकते हैं. अगर आपको बनाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ओवर लेयरिंग कर सकते हैं. वैसे एक लेयर काफ़ी सफिशिएंट होती है. तो हर तरफ से इसको भर दें. इससे आप सारे मिक्स कर दें. उसके बाद हमें चाहिए मैस्कारपोनी चीज़. मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा आधा लेती हूँ पहले. कई बार बहुत ज़्यादा बन जाता है और उसके हिसाब से ज़्यादा हो जाता है. तो मैंने अभी आधा कप लिया है मैस्कारपोनी चीज़ और आधा ही मैंने लिया है व्हिप्ड क्रीम. डबल क्रीम व्हिप करके रखिए. सिंगल क्रीम को व्हिप करना थोड़ा मुश्किल होता है.
सो डबल. सो मैस्कारोनी चीज एंड प्लस व्हिप क्रीम, इसको हम लोग मिक्स कर लेंगे. देन अगेन अगर आप आपको चीज़ नहीं पसंद है, कई लोग चीज़ पसंद नहीं करते हैं, तो आप सिर्फ व्हिप क्रीम भी लगा सकते हैं. इसको मिक्स कर लेंगे सो देयर इज नो लम्स. और अगेन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको पाइपिंग बैग में डाल के और अच्छी तरह सजा के लगा सकते हैं, अदरवाइज तो आप ऐसे भी इसके ऊपर लगा कर इसे इस तरह से स्प्रेड कर लें. हाफ पैकेट इज मोर देन इनफ. डिपेंड करता है, अगर आपको थोड़ा ज़्यादा थिकनेस रखी है तो आप ऊपर भी थिकनेस ज़्यादा रखिए. तो ये और इसके बाद आप बस इसको सजा लें. मैंने ये शेप्स थोड़ी बना के रखी हैं, जस्ट नॉर्मल चॉकलेट. मैंने उनको मेल्ट किया है पाइपिंग बैग में डाल के, मैंने उसके ऐसे डिफरेंट शेप्स बना लिए हैं. सो आप उसके ऊपर ऐसे इसको सजा लें, कोई भी शेप अपनी पसंद की बना के. And then you just put it on top. Wow, easy. मैंने साथ साथ रिपीट किया इसलिए मैं दोबारा से नहीं बताने वाली हूँ, रिकैप नहीं दूंगी. लेकिन मैं देख सकती हूँ कि इन्होंने मैंगो पल्प रखा हुआ है और क्रीम रखी है. सो मैंगो पल्प बनाने वाली मैंगो मूस बनाएंगे. ओके, तो मैंगो मूस के लिए आपने कहा व्हिप्ड क्रीम है, व्हिप्ड क्रीम 1 कप पैकेट, 1 कप 1 कप 1 कप ही आपने लिया, डबल क्रीम एंड 1 कप मैंगो पल्प. आजकल फ्रेश भी है आपके पास मैंगोज, तो आप फ्रेश पल्प बना सकते हैं. इसको ले लें, वेरी इजी. और ये एगलेस है, सो पीपल हु डोंट लाइक एग्स. अब इसमें हम लोग पहले डालेंगे डबल क्रीम 1 कप, मिक्स कर लेंगे. इसमें शुगर नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंगो पल्प में वैसे ही शुगर बहुत ज़्यादा होती है. इस तरह से मिक्स कर लें. और जब हमने व्हिप्ड क्रीम डालनी है तो उसको थोड़ा ध्यान से डालना चाहिए क्योंकि वो एकदम से घुल जाएगी अंदर, तो आपका मूस इफ़ेक्ट नहीं आएगा. तो इसको सिर्फ हमने फोल्ड करना है. इस तरह से इसको फोल्ड कर लें. Okay, so ये चला जाएगा फ्रिज में. फ्रिज में फोर अराउंड 2 आवर्स टू गिव इट दैट थिक कंसिस्टेंसी. एंड आई कैन सी कि ये ऑलरेडी आपने यहाँ बना के रखी हुई है. जो फ्रिज में रखी हुई थी कि डबल काम किया है वैसे. आपने बहुत मेहनत, आपका टाइम बचाना है. एंड मैं ये भी देख सकती हूँ कि ये भी बड़ी आर्ट है कि किस तरह से आपने चॉकलेट के ये कप्स बनाए हैं, क्योंकि ये बाहर रखे थे अब ये थोड़ा मेल्ट हो रहे हैं. जब फ्रिज से निकाले थे तो ये बिल्कुल हार्ड थे. आपने चॉकलेट लेना है और उसके बाद उसको मेल्ट कर लें. मेल्ट करने का एक तरीका है, आप डबल बॉयलर लें, एक बर्तन में पानी ले लें, उसको गर्म कर लें और उसके ऊपर आप एक और बर्तन रखें जिसमें चॉकलेट डालनी, और पानी वो टच नहीं करना चाहिए वो बर्तन, उसमें डाल के उसको हिलाएं. और जब तक तो वो मेल्ट हो जाए तो उसको मेल्ट करके थोड़ा साइड पर रख दें, थोड़ा कूल होने दें, क्योंकि अगर आप बलून गर्म में डालेंगे तो फट जाएंगे. फिर जब वो हो जाए तो उसको इसमें चॉकलेट में डिप कर लें, और डिप करके इस तरह से पार्चिंग पेपर पे लगा के एंड देन यू पुट इट इन द फ्रिज. ओके, तो चॉकलेट भी सेट हो जाती है और इस तरह से कप्स. आप इसको डबल टाइम भी कर सकते हैं, थोड़ा पहले डाल के फ्रिज में रख दें फिर थिक बनाने के लिए. और मैं देख सकती हूँ कि जब हमने निकाले थे तो बहुत हार्ड थे लाइक चॉकलेट, लेकिन इस वक्त थोड़ा मेल्ट हो रहे हैं. तो इसमें आप सर्व करने वाली थी चॉकलेट मूस, सॉरी मैंगो मूस. मैंगो मूस इसमें, तो इसमें यही होता है बस. इसके बाद जब ये बन जाता है तो इसको हम लोग थोड़ा सा कट लगाते हैं बलून को, ताकि हवा निकल जाए. अब शायद वो उतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी देर से बाहर है, तो उसकी वो निकल गई है, जैसे ये अंदर चला गया सारा. वैसे अंदर नहीं जाएगा, अगर आप फ्रिज में से निकालते हैं तो ये अलग रह जाता है और उसको बस आपने पील ऑफ कर सकते हैं. कोई बात नहीं, ये क्योंकि मेल्ट हो गई है इसलिए ये इस तरह से हो गया. वैसे वो कटोरी की कटोरी बनी रहेगी और आप बीच में से बलून को निकाल लेते हैं. आप इसमें वाइट चॉकलेट ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट ले सकते हैं, जो आपको पसंद है. और उसके बाद आप इसमें इसको, ये हमारी मैंगो मूस है, देखिए आप कितना थिक हो गया. इसको आप इनफ
इसको आप टेस्ट करें, आप ट्राई करें, आप छोड़ देना, आप ही अपनी प्लेट में। हाँ मैं भी ट्राई करती हूँ। आई लव मैंगोज एनी वे, सो मैंगोज से बनी कोई भी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड आई लव मैंगो मूस, बहुत अच्छी बनी है। एंड आई लाइक द आइडिया कि आप जब सर्व करें तो इस तरह से चॉकलेट कप्स बना लें, थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एंड दिस इज चॉकलेट फ्लैन, बहुत अच्छा। आप मीठा नहीं खाते हो, आप बताओ। एक बात है खुशप्रीत, मैं तीनों चीज़ें ज़रूर ट्राई करूँ। गुड। वैसे मैंगो मूस में बनाती हूँ लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं। ओके ठीक है, क्योंकि मुझे बेकिंग का इतना ज़्यादा शौक नहीं है। ओके मुझे उम्मीद है कि आप भी ज़रूर ट्राई करेंगे, फिर मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपने ट्राई की तो कैसे बने, या आपका कोई और तरीका है, किसी और तरीके से आप बनाते हैं और सिखाना चाहते हैं तब भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज कॉल मी ऑन आवर रिसेप्शन नंबर 02085746666। अपना नंबर छोड़ दें, अगर मैं वहाँ नहीं हूँ तो मैं वादा करती हूँ आपको ज़रूर फ़ोन करूँगी वापस। नंबर फिर से नोट कर लें, 02085746666। ये हमारे रिसेप्शन का नंबर है, मंडे टू संडे 7 days a week। आप बिटवीन 9 and 5 अपना नंबर छोड़ सकते हैं और मैं वादा करती हूँ आपको ज़रूर फ़ोन करूँगी। ईमेल करना चाहें तो sarita@sunrisetv.tv के एड्रेस पर आप हमें लिख सकते हैं और बताएं कि क्या है आपकी स्पेशलिटी, क्या बना सकते हैं आप, या फिर आपके घर में कोई और बहुत अच्छा कुक है उसकी स्पेशलिटी मुझ तक पहुँचाइए और मैं वादा करती हूँ आपके घर ज़रूर आऊँगी। खुशप्रीत थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ट्वाइस। और अब मुझे पता चल गया, सेकंड टाइम जब मैं आई हूँ तो मुझे बता दिया खुशप्रीत ने कि इनकी सिस्टर रहती है हेज में, तो मुझे डिटकॉट में दूसरी दफा क्यों बुलाया, मुझे हेज में बुला लेते। और शी इज नॉट हियर सो नेक्स्ट टाइम वेलकम, इवन बेटर। नहीं फिर मेरे को पता नहीं चलेगा ना उसने कहाँ क्या रखा है, अपनी चीजें ले जाना। हाँ, साथ ही बात सही। खैर ये सब मजाक था, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर भी। सेम है, इसी तरह से मुस्कुराती रहें, बनाती रहें और सिखाती रहें। आप भी सिखाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए लवली डे, बाय।